वैदिक एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल माह जनवरी का, जो कि 5 जनवरी से लेकर के और 11 जनवरी 2020 तक का है। इसमें 12 राशियों की चर्चा आपके साथ करेंगे। सबसे पहले आपके साथ चर्चा करेंगे मेष राशि के जो जातक हैं उनके व्यवसाय को लेकर के। तो आइए चर्चा करते हैं। इस सप्ताह भी आपकी कुंडली के नवम भाव में पंचग्रही योग बने रहने के कारण आपके भाग्य में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। मित्रों, आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं जो कि आपके लिए लाभकारी रहने वाली हैं। पराक्रम में आपके वृद्धि होगी तथा सप्ताह के मध्य चतुर्थेश अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि जातक के लिए लाभकारी ही रहने वाला है। वित्तीय स्थिति, सप्ताह के आरंभ में तो आय सामान्य रहने वाली है, मगर सप्ताह के मध्य में जाकर आपकी आय में कुछ वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। संचय किए गए धन में कमी होगी। सप्ताह के मध्य तक सुख सुविधाओं का पूर्णतः लाभ आप प्राप्त करेंगे, उसके पश्चात कुछ उसमें कमी आप महसूस करेंगे। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति शिकायतों के रहते हुए संबंध आगे बढ़ते रहेंगे। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों में सप्ताह के मध्य में सुधार होगा जाके। संतान, आपकी संतान द्वारा उनकी शिक्षा प्राप्ति के लिए जो किए जा रहे हैं प्रयास, उसमें सप्ताह के मध्य से उत्तम परिणामों की आपको प्राप्ति होने वाली है। स्वास्थ्य, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से नीचे स्तर का ही रहने वाला है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों का व्यवसाय, इस सप्ताह आपके अष्टम भाव में पंचग्रही योग बनने के कारण आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। बीच बीच में कुछ रुकावटों एवं बाधाओं के उपरांत इस सप्ताह भाग्य का भी आपको सामान्यतः लाभ प्राप्त होता रहेगा। वित्तीय स्थिति, आय के साधनों में किसी भी प्रकार की कोई कमी आपको नहीं महसूस होगी। धन का संचय भी आप कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य से सुख सुविधाओं में भी आपकी वृद्धि होगी। प्रेम संबंध, इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों में प्रगति तो होगी मित्रों, लेकिन विवाह का कोई ऐसा योग नहीं बना हुआ है। सिर्फ प्रेम संबंधों तक ही सीमित रहेगा ये। विवाहित व्यक्तियों को अपने वैवाहिक संबंधों को सामान्य रखने के लिए अपना व्यवहार सही रखना होगा अपने जीवन साथी के साथ, तथा क्रोध पर भी आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। संतान, इस सप्ताह आपकी संतान को अपनी शिक्षा संबंधित परिणाम अपने अनुकूल प्राप्त नहीं होंगे। इस सप्ताह अपनी पढ़ाई पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और अपनी पढ़ाई को गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य, सप्ताह के आरंभ से ही स्वास्थ्य में कमी रहने वाली है, लेकिन सप्ताह के मध्य से स्वास्थ्य अधिक प्रभावित हो सकता है। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका व्यवसाय, इस सप्ताह आपके राशि के कुंडली में सप्तम भाव में पंचग्रही योग बनने के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में चाहे रोजगार हो या फिर व्यापार, बहुत ही अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। थोड़ी बहुत परेशानियां तो अवश्य ही आपको पेश आएंगी, लेकिन अपने कार्यों को बहुत ही चतुराई के साथ आप पूरा कर पाएंगे। वित्तीय स्थिति, आय भी इस सप्ताह आपको होती रहने वाली है सामान्यतः, लेकिन धन का संचय तो इस सप्ताह मुश्किल ही हो पाएगा आपके द्वारा। सुख सुविधाओं की भी कुछ कमी आप महसूस करने वाले हैं। संतान, इस सप्ताह आपको आपकी जो संतान के द्वारा शिक्षा संबंधित परिणाम है वो प्रभावित होने वाले हैं। इतना ही कह सकते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी आपकी संतान को। स्वास्थ्य, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों का व्यवसाय, इस सप्ताह भी आपकी राशि की कुंडली के छठे भाव में पंचग्रही योग बने होने के कारण आपके रोजगार या व्यापार के हालत तो सामान्य ही रहने वाले हैं, मगर आपके अपने विभाग में शत्रुओं की उत्पत्ति होने के साथ साथ वे स्वयं ही समाप्त भी होते रहेंगे, नष्ट होते रहेंगे। लेकिन आपको अपने कार्यस्थल में बहुत ही सतर्कता और सजगता के साथ कार्य करना है और उस पर जोर देना है। वित्तीय स्थिति भी इस सप्ताह कुछ ज़्यादा अच्छे रहने के संकेत नहीं है आपको। आपको यात्राओं के द्वारा अच्छा धन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आप कुछ धन का संचय भी कर सकते हैं। प्रेम संबंध, इस सप्ताह आपको अपने प्रेम संबंधों को लेकर ग्रहों का सहयोग बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रहा है मित्रों, इसलिए सफलता मिलना नामुमकिन सी बात है। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध सप्ताह के मध्य तक बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, उसके बाद प्यार और तकरार जैसी स्थिति पैदा होगी। संतान, इस सप्ताह आपकी संतान को अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी उनकी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बनती रहेंगी, विशेषकर पेट संबंधित समस्याएं। सिंह राशि,
व्यवसाय। इस सप्ताह भी आपकी राशि की कुंडली के पंचम भाव में पंचग्रही योग बने होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में रोजगार से या व्यापार से संबंधित आप अपनी बुद्धि एवं ज्ञान के आधार पर काफ़ी हद तक कार्यों को पूरा कर पाने की क्षमता रखते हैं और करेंगे पूरा, लेकिन समस्याएं भी कम नहीं होंगी आपके लिए क्योंकि भाग्य में कुछ अवरोध पैदा होने के कारण ऐसा होगा। वित्तीय स्थिति, इस सप्ताह आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अचानक धन का लाभ प्राप्त हो सकता है आपको, चाहे परिवार की ओर से हो ये या फिर किसी दूसरे संसाधनों के द्वारा हो। आपकी अचल संपत्ति में भी वृद्धि हो सकती है। प्रेम संबंध, इस सप्ताह आपके ग्रहों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा तथा आप अपने प्रेम संबंधों को विकसित करने में जो प्रयास करते रहे हैं या कर रहे हैं या करेंगे उसमें सफल होंगे। इन संबंधों को विवाह में भी आप परिवर्तित होते हुए देख सकते हैं अगर चाहेंगे तो। वैवाहिक संबंध जो है विवाहित व्यक्तियों के सामान्य चलेंगे। संतान, इस सप्ताह आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पिता के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं। स्वास्थ्य, सप्ताह के मध्य से स्वास्थ्य में कुछ कमी आप महसूस अवश्य करेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के जो जातक हैं उनका व्यवसाय सप्ताह भी आप अपनी कन्या राशि के जातकों की कुंडली में चतुर्थ भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है और यह योग तथा राहु की दशम भाव में स्थिति कार्य क्षेत्र चाहे रोजगार हो या व्यापार हो उसमें उन्नति के नए नए अवसर आपको लिए पैदा होंगे। अचानक पदोन्नति, व्यापार में बढ़ोतरी तथा सभी ओर से शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। यात्राओं का योग भी बना हुआ है साथ साथ और यात्राएं करेंगे तो वह भी लाभकारी रहेंगी। वित्तीय स्थिति, सप्ताह के मध्य तक आय के जो स्रोत हैं वो बने रहेंगे। अंत में धन के आगमन में कुछ रुकावटें पैदा होंगी। सुख सुविधाएं तो उपलब्ध रहेंगी मगर उनका लाभ पूर्ण रूप से आप नहीं उठा पाएंगे। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधों को लेकर जो भी आपके द्वारा प्रयास चल रहे हैं उनमें सफल होंगे आप। अगर चाहेंगे तो वैवाहिक संबंधों में भी उनको परिवर्तित हुए देख सकते हैं। वैवाहिक जो व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक संबंधों में थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद पैदा होंगे। संतान, इस सप्ताह आपकी संतान को अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है, तभी परिणाम उनके अनुकूल प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य, इस सप्ताह स्वास्थ्य में नरमी गर्मी दोनों ही बनेगी। तुला राशि, तुला राशि के जो जातक हैं उनका व्यवसाय इस सप्ताह कैसा रहेगा। इस सप्ताह भी आप तुला राशि के जातकों की मित्रों कुंडली के एकादश भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है और उसी के कारण अपने कार्य क्षेत्र यानी रोजगार या व्यापार जो भी आप करते हैं उससे संबंधित यात्राओं पर आपको जाना पड़ सकता है। विदेश यात्रा भी आपको संभव है कि जाना पड़ जाए और यह यात्रा आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगी। आपके अपने विभाग में भी कार्य सफलतापूर्वक आप पूरे कर सकेंगे। वित्तीय स्थिति, आय के साधन बने रहेंगे मगर कुछ रुकावटों के बाद धन का आगमन होता रहेगा तथा धन को संचय करने की योजना भी आपके द्वारा बनाई जा सकती है। प्रेम संबंध, इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों में तो आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफल रहने वाले हैं, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक ही सीमित रहेगी, इसके आगे नहीं बढ़ पाएगी। यानी कि विवाह में आप उस संबंधों को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे और वैवाहिक व्यक्ति जो हैं उनके वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, सामान्य रहेंगे। संतान, इस सप्ताह आपकी संतान को उनके शिक्षा संबंधित परिणाम मध्यम प्राप्त होंगे, लेकिन अगर अधिक परिश्रम करेंगे तो मित्रों परिणाम और अधिक श्रेष्ठ आपको प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में इस सप्ताह कमी बनी रहेगी, अपने खाने पीने पर आप अधिक ध्यान दें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह भी आपके राशि के कुंडली के द्वितीय भाव में पंचग्रही योग होने के कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में धन का आगमन एक से ज़्यादा स्रोतों के द्वारा हो सकता है। आप अपने विभाग में सभी पर अपना प्रभुत्व बनाकर रखने वाले हैं, लेकिन अपने क्रोध को भी आपको नियंत्रण में रखना होगा वरना आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वित्तीय स्थिति, इस सप्ताह के आरंभ से ही धन का आगमन बनेगा जो कि पूरे सप्ताह तक इसी प्रकार बना रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने परिवार की ओर से भी आर्थिक मदद मिल सकती है मित्रों। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधों में आपको सफलता प्राप्त होगी, ग्रहों का सहयोग मिल रहा है लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी। जैसे कि विवाह आदि, विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध अगर अच्छे रखना चाहते हैं आप तो आपको अपने व्यवहार को अपने जीवन साथी के साथ अच्छा रखना होगा। संतान, इस सप्ताह आपकी संतान के द्वारा अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर चल रहे प्रयासों में सामान्य परिणामों की ही प्राप्ति होने जा रही है। स्वास्थ्य, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सामान्य चलेगा। धनुराशि, धनुराशि के जातकों का व्यवसाय, इस सप्ताह आपकी राशि के लगन भाव में पंचग्रही योग बने होने के कारण तथा पंच महापुरुष हंस योग होने के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर सभी
वो सभी पर अपना प्रभाव बना करके रखने वाले हैं और इस सप्ताह आपको अपने विभाग में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, नहीं आप करने जा रहे हैं। आपके पराक्रम में भी वृद्धि रहेगी और आप जो भी कार्य करेंगे पूरे जोश के साथ करेंगे। वित्तीय स्थिति, सप्ताह के मध्य तक धन का आगमन पूर्ण रूप से रहने वाला है तथा धन का संचय भी विशेष रूप से कर पाएंगे। वैसे इस पूरे हफ्ते आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ही रहने वाली है। प्रेम संबंध, इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों को लेकर ग्रहों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है तो आप इस समय अगर प्रयास करेंगे तो सफल नहीं होंगे। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों में एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना बनी रहेगी। संतान द्वारा किए जा रहे प्रयासों में, उनकी शिक्षा प्राप्ति को लेकर किए जा रहे प्रयासों में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति ही होगी। आगे स्वास्थ्य के विषय में बताएंगे आपको धनु राशि के जो जातक हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के आपको अपने थोड़ा सा केयर रखने की जरूरत है, अपना ध्यान रखने की जरूरत है। छोटी मोटी समस्याएं इस सप्ताह आपको पैदा हो सकती हैं। आगे चर्चा करेंगे जो मकर राशि के जातक हैं उनके व्यवसाय के विषय में। इस सप्ताह भी आपकी राशि की जो कुंडली के द्वादश भाव हैं उसमें पंचग्रही योग बना हुआ है और उसके कारण इस सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र में आपको अचानक प्रमोशन मिल सकता है। यात्राओं का भी योग बना हुआ है लेकिन यात्राओं से कोई बहुत बड़ा विशेष लाभ आपको प्राप्त हो ऐसा नहीं है। वैसे पदोन्नति का योग घर से दूर ही रहेगा। वित्तीय स्थिति, सप्ताह आपकी आय के साधन तो बनेंगे लेकिन साथ ही व्यय की भी प्रबल रूप से संभावना बनी हुई है। खर्चे भी पूरे होंगे लेकिन जो भी धन का व्यय होगा वो अच्छे कार्यों में ही आपके द्वारा होगा। सुख सुविधाओं के होते हुए भी आप उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे अपनी व्यस्तता के कारण। प्रेम संबंध, इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों को लेकर ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप अभी समय का इंतजार करें। मित्रों, प्रेम संबंध, विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध सप्ताह के मध्य तक बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, सुखी रहेंगे आप विवाहित जो व्यक्ति हैं। उसके बाद थोड़ा नोकझोंक वाला समय रहने वाला है। संतान, इस सप्ताह आपकी संतान को अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता है वरना परिणाम काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं उनकी शिक्षा को लेकर के। स्वास्थ्य, वैसे तो स्वास्थ्य सही रहेगा, मामूली गिरावट रह सकती है। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनका व्यवसाय, सप्ताह भी आपके कुंभ राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली में एकादश भाव में पंचग्रही योग बनने के कारण आप इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में चाहे रोजगार हो या फिर व्यापार, जिससे भी आप जुड़े हैं, काफ़ी प्रगति करने वाले हैं। प्रगतिशील सप्ताह रहेगा ये आपके लिए, विशेषकर जो व्यक्ति मशीनी उपकरण, रियल इस्टेट आदि से जुड़े हुए हैं उनको तो कुछ ज़्यादा अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। वित्तीय स्थिति, इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ रहने वाली है। धन का आगमन बना रहेगा, कुछ ना कुछ धन का संचय अवश्य करेंगे। इस सप्ताह अचल संपत्ति के खरीदने का भी योग बना हुआ है। प्रेम संबंध, इस सप्ताह आपके ग्रहों की स्थिति आपके प्रेम संबंधों को लेकर काफ़ी अनुकूल बनी हुई है। आप इन संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं तथा विवाह में भी परिवर्तित कर सकते हैं। विवाहित व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन सप्ताह के मध्य से सुखी रहने वाला है। संतान, आपकी संतान के द्वारा उनकी शिक्षा में चल रहे प्रयासों में अचानक ही अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी लेकिन अधिक परिश्रम करने पर ध्यान आप देना आवश्यक है। स्वास्थ्य सप्ताह के मध्य में प्रभावित रहेगा, उस समय पर आपको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। मीन राशि के जातक जो हैं उनका व्यवसाय, इस सप्ताह भी आपके कुंडली के दशम भाव में पंचग्रही योग बनने के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही सफल रहने वाले हैं। मित्रों, साथ ही पंच महापुरुष राजयोग, हंस योग का जो निर्माण हो रहा है उससे अचानक पदोन्नति तथा अपने विभागीय कार्यों से संबंधित आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाली है। वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति तो दृढ़ रहेगी है, मजबूत रहेगी लेकिन जितना धन का लाभ होना चाहिए था उसमें कुछ कमी आप अवश्य महसूस करेंगे। सुख सुविधाओं का भी पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों को लेकर के ग्रहों का बहुत ज़्यादा सहयोग तो नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी प्रेम संबंध तो बनेंगे या फिर बने रहेंगे लेकिन विवाह तक बात नहीं पहुँच सकती। विवाह, जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक जीवन का जो है वो कैसा रहने वाला है इस सप्ताह, वो भी अच्छा रहेगा, सामान्य रूप से चलता रहेगा। संतान, सप्ताह के मध्य तक तो आपकी संतान को अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, उसके बाद सामान्य से ऊपर ही परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य, इस सप्ताह स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मित्रों,
लेकिन अचानक कुछ शारीरिक समस्या बन सकती है। तो ये था आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनका साप्ताहिक राशिफल 5 जनवरी से लेकर के और 11 जनवरी 2020 तक का। ये राशिफल आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो आइकन बेल है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।